हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनम पांडे ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम आए हैं अपने न्यू घर में। ये है हमारा दूसरा घर और भैया ने मंगवाया है कुछ खास, तो आप लोगों को तो दिखाना बनता है क्या मंगवाए हैं। तो अभी इनके घर में आ गया था कबूतर, जो कि इतने ये लोग डरपोक है कि दो कबूतर नहीं उड़ा पा रहे थे। हमने कहा हम ही उड़ा दे, भाभी उड़ाओ, तो दो कबूतर एक साथ में थे तो अभी उड़ाए। और ये लोग इतना कबूतर परेशान करते हैं कि मत पूछो। अभी जब वाइपर से लगी तो फिर से इधर आने लगा। तो अभी आप लोगों को दिखाती हूँ क्या चीज है। खोला हुआ स्पेशल चीज मंगाई है विवेक भैया। कबूतर के हैं एक ही जने एक्सपर्ट हैं के हमारे यहाँ कबूतर खाना जहाँ आदमी का कम आना जाना लग रहा है तो कबूतर का ज्यादा। तो ठंडक आए। हाँ भैया बहुत बढ़िया है, एकदम वो जैसे हमारी तरह है ना सेब। हाँ वाला का हो जो हटाओ के हटाओ वो चलत नहीं, बस बहुत ही खराब था। अच्छा एक ग्लास अच्छा लगा था, जब पोछा तो एकदम क्लीन रहा था। ये बात तो यही है। भैया मंगवाए हैं किचन के लिए अपना रसोई का, क्या बोला थे चूल्हा, गैस स्टोव मंगवाए हैं। एक स्पेलिंग ये तो नहीं पढ़ते हमका नहीं आवा। सन फ्लेम भाई हमारे सूर्य क्या है ना। हाँ देखा बेज्जती जी करे कि भौजी की इंग्लिश लाई आवत। विवेक भैया बोलबे ना करिए। विवेक भैया भाई अब हमको मीठा उठा खिलावा, कुछ चूल्हा मंगवाया ना, खीर बना खियावा भाई, नया नया चूल्हा है। मीठा तो खिला सका था, कहाँ चला गया नोए लगे थे बाथरूम में गए। तो भाई कुछ खिलावा भाई मीठा, अब ऐसे ना हम छोड़ दे भाई। हम तार कबूतर दो एक के बजाय दो कबूतर भगाए। जलेबी। हाँ जलेबी मंगा ले, बहुत अच्छी बात बोल दे, अब मीठा खाए मना। अच्छा है चूल्हा बढ़िया। कितने पड़ा ये? 3200 का। 2900 के और पांडे जोन मंगवाया रहने वो तब 1100 को मिला रहा ना। फ्लिपकार्ट से है? फ्लिपकार्ट से अमेज़न से लेना, फ्लिपकार्ट से पता नहीं, बट तीन है का नहीं दुए दो। हाँ दुए। हाँ तीन वाला जगह नहीं बना। तीनों फिर का मतलब है जगह नहीं, हम लोग को जगह इतना छोटा स्लैब है तो। हाँ नहीं सही है। तो अभी भैया लोग अपना अभी ऑफिस से आए हैं, ये लोग ये करेंगे, हमारे यहाँ ही रखा था तो हम लेके आए। तो भैया बोले कुछ सरप्राइज हो, जा रही हूँ कुछ सामान लाने के लिए। तो कहो कुछ मीठा उठा खाओगे कि नहीं, तो रखेंगे हाँ जलेबी खा, बहुत मन के बात बोल दे। और सुन जान दहा देखा चूल्हा आई बा भाई, चूल्हा को उद्घाटन करे बारे कुछ किया हुआ जरूर। चला ठीक है, गर्मा गर्म लेके आया। चला ठीक है, चलते भैया हमारा काम चैनल, हम कुछ बोल देवा कर, बहुत गरीब इंसान है ही हम। अरे भाई इतना अच्छा चैनल चलाए, चल चलता है। हाँ भाई बिल्कुल एकदम लाइक सब्सक्राइब सब करें, हम देख लो। और मेन भैया हमारी यही हमको बोले थे कि आप बनाओ वीडियो। अरे भाई मेहनत तो आपकी है ना। हाँ सही बात है। विवेक भैया हमका कहा नीचे चलो। हाँ। तोरा के बहुत सरप्राइज बढ़िया मीठा खाई मिले। हम आया नहीं बोले थे, ये बता कुछ मिलेगा ये बोले थे कि नहीं बोले थे, बताओ। दो कबूतर, दो कबूतर बोनस। अभी जलेबी भी मिले। चलो ठीक है, मैं जाते हूँ सामान लाओ। ठीक है भैया, चलो ठीक है भैया, मैं जाते हूँ कुछ सामान लाओ। हाँ पांडे हैं, ठीक चीज। और आप लोगों को दिखाती हूँ पांडे जी मेरे लिए क्या लेके आए हैं, बहुत अच्छा जो मुझे बहुत पसंद है। बिना बोले ये देखो, ये ये है अचार, अचार दोनों ये मिक्स वाला है देख रहे हो, और एक इसमें भी है ये,
लगता है दोनों ये वाला मिक्स वाला है और ये कौन सा है, ये शायद आंवला का है, ये आंवला का है, ये आंवला का है, हाँ ये आंवला का है और ये है मिक्स वाला। बहुत सुंदर अचार है। मैं ना अचार खाने के साथ में ना कि घर से लेके आई थी, मम्मी गोभी उभी की थी वो ख़त्म हो गई, जब इसको देखी ना मैं बहुत खुश हो गई। सच में अचार खाने का बहुत मन करता है, या तो गांव का हो, गांव का जैसे घर का बना होता है तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। अभी वही देखी, बताए नहीं और ला के रखे थे चुपके से, तो मैं देखी कि मेरे लिए वही बोल रहे थे, फ़ोन किए थे कि सोनम तुम्हारे लिए कुछ लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा क्या लेके आ रही हो, क्योंकि खाने वाने के साथ में ना थोड़ा सा चटपटा चीज़ अच्छा लगता है, अचार अचार रहता है तो अच्छा लगता है खाने में, तो वही बोले थे कि यार तुम्हारे लिए कुछ लेके आता। अभी मैं बताया भी नहीं, मैं अचानक से देखी तो वो देखी यहाँ से, तो मैंने कहा क्या है, तो बोले अचार जो इतने दिन से बोल रही थी, नहीं तो मैं यहाँ से मैं ले आती हूँ मार्केट से, तभी तक था तो ख़त्म हो गया। जैसे दाल बना लो कुछ बना लो तो थोड़ा सा ही, बहुत थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लेके खाने के साथ में ना तो स्वाद चेंज हो जाता है। और भैया के यहाँ जो मंगवाए थे आप लोगों को दिखाए ही, और दिवाए देखो अकेले अकेले खाने में लगा हुआ है, ये देखो, ये तो शक्ल अपनी ऐसे बना ले, इसको चाहे जितना नहला दो चाहे जितना इसको तेल लगा दो एकदम जैसे भूत बना रहेगा इंसान, कहेगा कि ये तो अपने आप को टीप टाप करके रखती है, बच्चे को पता नहीं कैसे रखती है। तो मिलती हूँ आपको सुबह के टाइम में, अभी हो रहा है रात का समय और मैं जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि बॉय बॉय। तो हाय फ्रेंड्स, अभी गुड मॉर्निंग, और रात से ब्लॉगिंग कर रही थी क्योंकि भैया जो गैस मंगवाए थे तो बोले कि आपको सरप्राइज़ है, तो मैं जा रही थी सामान लेने, तो मैंने कहा चलो क्या सरप्राइज़ है भाई देख भी लेती हूँ। तो वैसे मुझे पता तो चल गया था कि गैस चूल्हा है, तो हमने कहा कुछ खास चीज़ और होगी इसलिए हम ऐसे काम वैसे नहीं गए थे, उनके जा रहे थे दुकान पे कुछ सामान वामान लेना था। तो कबूतर, छी कबूतर तो और नारक मचा के रखे हैं, खुश कबूतर आ जाते हैं साले दिमाग कर, तो उनके यहाँ दो कमरे, मतलब कमरे में दो कबूतर आके बैठ गए थे, अब वो दोनों भाई उड़ा नहीं पा रहे थे और हमको प्रैक्टिस है क्योंकि मैं कबूतर खाना में ही रहती हूँ, मेरी जाली टूटी हुई, जैसे मैं जाली वाली गेट लगाती हूँ तो वो नीचे से आ जाते हैं। तो फाइनली मेरा काम वाम तो हो गया, अभी पोछा झाड़ू करना है और जाना है देवाई को छोड़ने स्कूल, क्योंकि इसका एग्जाम है 1 बजे छोड़ने जाना है। और एक है, रुको आप लोगों को दिखाता है, कहाँ देख रहे हो आप लोग, कहाँ, हाँ देख लो आप लोग, एक बैठा हुआ है दिखा, हाँ। अब इसको मैं भगाती हूँ और एक कूलर पे जाके भी बैठ जाता, और मैं इधर किचन उचन की सफाई कर दूंगी, इधर किचन साफ हो गया है, और यही वाली सेम उनकी भी गैस है, मेरी सूर्या की है, उनके पता नहीं कौन सी बताई थी, कौन सी कंपनी है। तो ये जब मैं आने वाली थी यहाँ पे तो इसके पापा ऑर्डर किए थे, तो ऑनलाइन 1100 रुपए की पड़ी थी, तो साफ ऑफ कर लिए हैं, अपना किचन उचन एकदम क्लीन कर लिए हैं, और अभी मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाने, झाड़ू पोछा करना है, पानी इधर लगा दी हूँ, गर्म हो रहा है, झाड़ू पोछा करके फिर इसको देवा को यहाँ पढ़ा भी रही हूँ, क्योंकि इसको दी हूँ तो माइनस और प्लस करने के लिए, तो इधर ये बैठ के कर रहा है, उसको भी नहलाना है। हमने कहा अपने ब्लॉग का भी स्टार्ट कर दूँ, और हमारे यहाँ बोरी भर के, सालों भर का पैसा बोरी भर के रखा हुआ है, साल भर जो कमाए हैं ना एक बोरी भर के रखे हैं, आप लोगों को दिखाऊंगी। देवा दिखा ना थोड़ा सा, देवा कहाँ लो, अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, देवा एक बार थोड़ा सूट कर लो, सूट ऐसे रहो, आप भी गुड मॉर्निंग कर लो। तो हाय गाइस, कैसे हो, गुड मॉर्निंग। आप लोग अपने कबूतर तो मैंने भगा दिया और बोरी इतना भरा है इतना, तो अभी तन मेरे यहाँ सालों भर की कमाई इतना, फोटो खींचो खींच दिया। तो ये है सालों भर की कमाई, मेरी बोरी भर का सामान। तो भाई बोरी भर में क्या है, इसमें दिखाते हैं कपड़े, कपड़ियाँ, मतलब है कपड़े, पुराने कपड़े हैं तो वो छोटे बच्चे के लिए है, जो ऊपर रखा था तो वो देवाई के पापा ने इसको उतार के नीचे रख दिया। अब बताओ इसको इतना भागोजन है कि मैं सीढ़ी से इसको नीचे लेके कैसे जाऊंगी, गिर भी जाओगी तो पहनने वाला जो है जो अच्छा है तो अच्छे जगह रख दूंगी, तो जिसको देख लो ये देवा का जो छोटा था न्यूनी जब यहाँ आई थी छोटा छोटा इसका ये बनियान है, तो किसी को दे दूंगी जिसका छोटा सा बाबू रहेगा अपना पहन लेगा, एक है इधर ही रखते हैं, तो बाइक से लेके जाऊंगी तो सारे कटे, फिर भी बहुत ये है, पैजामा है ये छोटा सा था, ये सारा चीज है,
अपना पहना देंगी। और ये भी है, ये देखो टी शर्ट है, ये सब देवाय का है, तो जो बच्चे रहे अपना पहन लेंगे। मैं तो मेरा भी है, स्वेटर वगैरह है, देखो पैंट है, ये सब है। और आपका आप भी तो पैदी हुई थी, ये है, ये सब इसका कपड़ा, इसी का ज्यादातर इसी का कपड़ा है, तो सोच रही हूँ दे दूंगी और इलाके मेरे जी जान के लगा दिए इसको, तुम लेके नीचे उतरोगी इसको, मैं नीचे उतरूंगी, मेरी तो वैसे भी शरीर भारी है, पता लगा कि बोरी तो गई गई, सोनम पांडे भी चली गई नीचे, तो मैं ऐसे कहूंगी हाय रे मेरी पतली कमरिया टूट गई। तो आपको थोड़ी देर बाद क्योंकि मैं जा रही हूँ काम करने, काम करने का मतलब है कि मैं पोछा लगाने जा रही हूँ, पोछा लगाऊंगी फिर उसके बाद इसको रेडी करूंगी नहला के, और इसका भी कपड़ा छत से ला के प्रेस करना है क्योंकि स्कूल वाला ड्रेस, और इसको भी अच्छे से रेडी कर दूंगी। और अभी बज रहे हैं 11, तो मुझे 1 बजे तक पूरा फाइनल काम करना है क्योंकि 1 बजे इसको जाना है छोड़ने, फिर उसके बाद आना है। तो बाय बाय, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद क्योंकि मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, बाय बाय। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप लोग मेरे वीडियो को पूरा लाइक करो, सब्सक्राइब करो प्लीज, मेरे वीडियो को आप लोग पूरा फुल वॉच किया करो, हाथ जोड़ कर मैं विनती करती हूँ। और जो भी कमियां आपको नजर आए आप बोल दिया करो कि सोनम ऐसा है वैसा है, जो जैसा भी हो, तो प्लीज एक लाइक भी कर दिया करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो भाई आप लोग, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करो। हाँ। ताकि मुझे थोड़ी सी और बुद्धि आ जाए। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद क्योंकि आप लोगों को हंसाने के लिए थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट करती रहती हूँ। तो टक 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 बॉय, तो तक तक करिए और सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करना, अभी आप लोग काम कर रहे हैं।